देख रहे हैं ब्लू टाइगर चैनल हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल दोस्तों सप्रेम जय भीम हमें एडवोकेट सुधीर ये संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र सबसे पहले ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं दोस्तों कविता हमारी कविता हमारी इस सेगमेंट में आज हम आपके सामने अपनी खुद की एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं इस कविता के बारे में हम दो शब्द कहना चाहते हैं दोस्तों एक कवि है और वो कवि एक मुल्क में निवास करता है तो उस मुल्क में वो जो पीड़ा भुगत रहा है वो जो तकलीफें भुगत रहा है वो अपने दोस्त से अपना दर्द बया कर रहा है और वो कह रहा है कि यदि हम दोनों अलग अलग आपस में लड़ते रहेंगे तो ना तू बचेगा ना मैं बचूंगा और ना ये मुल्क बचेगा तो हम अगर दोनों इकट्ठे आते हैं और दोनों अप अपनी ताकत इस मुल्क को बचाने में लगाते हैं तो हम अपने मुल्क को ज़रूर ज़रूर बचा सकते हैं ऐसी कविता कवि की भावना है दोस्तों इस कविता में हमने उस मुल्क के नाम का जिक्र नहीं किया है और वो जो कवि है वो किस मुल्क में रहता है किस गांव में रहता है उसका भी जिक्र हमने नहीं किया है और कवि के जाति का और कवि के दोस्त के जाति का भी हमने जिक्र नहीं किया है और ये सारी बातें दर्शकों को अपने आप समझना है तो दोस्तों हमारी इस कविता का शीर्षक है तो फिर न मेरा गांव बचेगा और न तेरा शहर बचेगा कविता का शीर्षक है तो फिर न मेरा गांव बचेगा और न तेरा शहर बचेगा यदि तूने और मैंने हम दोनों ने मिलकर यदि तूने और मैंने हम दोनों ने मिलकर मेरे गांव के तरफ मेरे गांव के तरफ और तेरे शहर के तरफ आने वाली इस हिंसा की धकधकती आग को जान हथेली पर लेकर नहीं बुझाया यदि तूने और मैंने हम दोनों ने मिलकर मेरे गांव के तरफ और तेरे शहर के तरफ आने वाली हिंसा की धक धकती आग को जान हथेली पर लेकर नहीं बुझाया तो फिर न गा गा, मेरा गांव बचेगा और न तेरा शहर बचेगा न मेरा गांव बचेगा और न तेरा शहर बचेगा न मेरी बस्ती बचेगी न मेरी बस्ती बचेगी और न तेरा मोहल्ला बचेगा न मेरी बस्ती बचेगी और न तेरा मोहल्ला बचेगा न मेरे जाति के लोग बचेंगे और न तेरे जाति के लोग बचेंगे न मेरा परिवार बचेगा और न तेरा परिवार बचेगा और आखिरी में मैं भी नहीं बचूंगा और आखिरी में मैं भी नहीं बचूंगा और मेरा वजूद भी नहीं बचेगा तू भी नहीं बचेगा और तेरा भी वजूद नहीं बचेगा तू भी नहीं बचेगा और तेरा वजूद भी नहीं बचेगा ये नफरत की आग ये नफरत की आग ये विषमता की आग ये हिंसा की आग ये नफरत की आग ये विषमता की आग ये हिंसा की आग ये जातिवाद की आग ये भेदभाव की आग हमारे यहाँ के अमन को हमारे यहाँ के अमन को यहाँ के हमारे खुशियों के चमन को हमारे यहाँ के अमन को यहाँ के हमारे खुशियों के चमन को हमारे प्रेम भाव को हमारे बंधु भाव को हमारे प्रेम भाव को हमारे बंधु भाव को हमारे खुश मिजाज मन को हमारे खुश मिजाज मन को हमारे सुकून भरे जीवन को सबको जला कर राख कर देगी सबको जला कर राख कर देगी मेरे तमाम खूबसूरत सपने राख हो जाएंगे मेरे तमाम खूबसूरत सपने राख हो जाएंगे तेरे भी खुशियों के तमाम खजाने खा खाक हो जाएंगे, तेरे भी खुशियों के तमाम खजाने खा खाक हो जाएंगे मेरे भाई ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है मेरे भाई ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है एक दूसरे के एक दूसरे की आलोचना करने में वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं है एक दूसरे की आलोचना करने में वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं है कौन छोटा और कौन बड़ा कौन छोटा और कौन बड़ा इस सवाल पे बहस करने का यह समय नहीं है कौन छोटा और कौन बड़ा इस सवाल पे बहस करने का यह वक्त नहीं है यह बहुत मुश्किल घड़ी है यह बहुत मुश्किल घड़ी है हमारे सामने चुनौती बड़ी है यह बहुत मुश्किल घड़ी है हमारे सामने चुनौती बड़ी है प्रजातंत्र खतरे में है दोस्त प्रजातंत्र खतरे में है मानवतावाद खतरे में है और इस मुल्क का संविधान खतरे में है प्रजातंत्र खतरे में है मानवतावाद खतरे में है इस मुल्क का संविधान खतरे में, में है कमजोर वर्ग की महिलाओं की इज्जत खतरे में है कमजोर वर्ग की महिलाओं की इज्जत खतरे में है तो चलो तुम और हम तो चलो तुम और हम दोनों इस बार इस वक्त दोनों साथ आए तो चलो तुम और हम तो चलो तुम और हम दोनों इस बार इस वक्त दोनों साथ आए और इस मुल्क के पुरोगी विचारधारा के तमाम साथियों को तमाम समतावादी साथियों को और तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को साथ लेकर इस जातिवादी हिंसा की आग को बुझाए इस जातिवादी हिंसा के आग को बुझाए आओ दोस्तों चलो इस मुल्क को बचाए आओ दोस्तों चलो इस मुल्क को बचाए आओ दोस्तों चलो इस मुल्क को बचाए तो दोस्तों यह थी कवि की अपनी कल्पना जो अपने दोस्त से मुल्क में जो हिंसा की आग लग रही है नफ़रत की आग मुल्कों को तबाह करने की कोशिश कर रही है भेदभाव की आग मानवतावाद को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है ऐसे वक्त कवि कल्पना करता है और दोस्त से गुजारिश करता है कि तेरी जाति अलग है मेरी जाति अलग है तेरा शहर अलग है मेरा गांव अलग है लेकिन हिंसा की आग मेरे भी गांव को जलाने जा रही है हिंसा की आग तेरे भी गांव को जलाने जा रही है ऐसे मुश्किल वक्त में हम दोनों साथ आए और इस मुल्क को बचाए इस मुल्क को बचाए ऐसा कवि कहता है तो दोस्तों यह थी हमारी हिंदी कविता जो हाल ही में ही हमने इस हिंदी कविता को लिखा है और दोस्तों यह हिंदी कविता हमने आज आपके सामने अपनी खुद की आवाज़ में प्रस्तुत की है पढ़कर सुनाई है इस कविता का शीर्षक है तो फिर ना मेरा गांव बचेगा और न तेरा शहर बचेगा तो फिर मेरा ना गांव बचेगा और न तेरा शहर बचेगा यह खूबसूरत हिंदी हमारी रचना हमने आपके सामने आज प्रस्तुत की है दोस्तों यह हमारी हिंदी कविता और इस हिंदी कविता में हमने जो विचार प्रस्तुत किए हैं आपके सामने पेश किए हैं हमारी हिंदी कविता और हमारे इस कविता के माध्यम से हमारे हमारे खुद के विचार आपको कैसे लगे हमारी हिंदी रचना आपको कैसे लगी हमारी हिंदी कविता आपको कैसे लगी आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक अकाउंट पे हमारे ट्विटर अकाउंट पे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे मोबाइल फोन पे संपर्क करके आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर ज़रूर भेज सकते हो आप सभी के प्रतिक्रियाओं का हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है अब हमें एडवोकेट सुधीर एच तायड़े को इजाज़त दीजिए अगली बार कविता हमारी कविता हमारी इस सेगमेंट में हम आपसे फिर रूबरू होंगे हमारी अपनी खुद की हिंदी कविता के साथ अब हम आपकी इजाज़त लेते हैं दोस्तों अपने संवाद को विराम देते हैं जय शिवराय जय भीमराय जय महाराष्ट्र जय संविधान धन्यवाद